जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, जय जगदीश हरे। घर घर में गाई जाने वाली भक्ति रचना जय जगदीश हरे की ये धुन आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये धुन बनाई थी महान संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। नमस्कार, मैं गिरिजेश आज आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी महाराष्ट्र के एक शहर मिरज की है। एक दौर था जब मिरज बीजापुर की जागीर हुआ करता था। मिरज में बड़ी पुरानी परंपरा थी कि त्योहारों के मौके पर वहां पर बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शहर के तमाम नामी ग्रामीण लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन इसमें किसी गायक का नाम नहीं था। ऐसा शायद इसलिए रहा हो कि गायकों को बहुत सम्मान की नज़र से ना देखा जाता रहा हो, लेकिन ये बात जब उस दौर के एक युवा गायक को पता चली तो उसे बहुत कष्ट हुआ। उसे बुरा लगा कि उस कार्यक्रम में उसके गुरु को क्यों नहीं बुलाया गया। विरोधाभास ये था कि इस उभरते हुए कलाकार को मिरज के महाराज ने रहने, खाने और संगीत सीखने के लिए सारी सुविधाएं दे रखी थीं। बावजूद इसके 23-24 साल की उम्र में उस कलाकार ने दुखी होकर मिरज छोड़ दिया और कसम ले ली कि वो गायकों को समाज में सम्मान दिलाकर ही दम लेंगे। ये कलाकार थे भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान शख्सियत पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये पंडित जी की ही देन थी कि बाद में उसी मिरज में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंडित विनायक राव पटवर्धन, उस्ताद अब्दुल करीम खान और हीराबाई बड़ोदेकर जैसी दिग्गज संगीतकारों को बुलाया जाने लगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को कुरुंदवार रियासत के बेल गांव में हुआ था। उनका उपनाम था गाडगिल, लेकिन सांगली के करीब पालुस गांव का होने की वजह से नाम के साथ पलुस्कर जुड़ गया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता दिगंबर गोपाल कीर्तन किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल हो। उन्होंने कुरुंदवार के एक प्राइमरी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन भी करा दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे को छोटी सी उम्र में एक बड़ी त्रासदी का शिकार होना पड़ेगा। हुआ यूं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के दौरान विष्णु दिगंबर पलुस्कर के चेहरे पर गंभीर चोट आ गई। इस चोट ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। आंखों की रोशनी न रही तो पढ़ाई लिखाई से भी नाता छूट गया। ऐसे में पिता ने विष्णु दिगंबर पलुस्कर को पूरी तरह संगीत को समर्पित कर दिया। मिरज के ही जाने माने संगीतकार बालकृष्ण इचलकरंजीकर ने विष्णु दिगंबर पलुस्कर को संगीत की बारीकियां सिखानी शुरू की। 1896 में जब उन्होंने मिरज छोड़ा तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। वे चाहते थे कि गायकों को समाज में इज्जत की निगाह से देखा जाए। इसके लिए जरूरी था कि पहले कलाकार सम्मान अर्जित करे, उस दौर में चले आ रहे संगीत के एक खास अंदाज से खुद को दूर रखे और शास्त्रीयता को तरजीह दे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब सतारा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो उन्हें बड़ी वाहवाही मिली। कहते हैं कलाकारों के पब्लिक परफॉर्मेंस की शुरुआत यहीं से हुई। इसके पहले शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम या तो महलों में होते थे या फिर मंदिरों में। इसके बाद तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर पूरे देश में घूम घूम कर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां देने लगे और इस तरह इस कला का प्रचार प्रसार भी करने लगे। 1901 में उन्होंने एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करने की ठान ली। पंडित जी ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। मुसीबत तो तब हो गई जब महाविद्यालय में सीखने के लिए एक भी छात्र नहीं आया। ये किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब कोई छात्र सीखने के लिए नहीं आता था तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर खुद ही तानपुरा लेकर बैठ जाते थे और रियाज करने लगते थे। खैर, बाद में गंधर्व महाविद्यालय में संगीत की बाकायदा कक्षाएं सजने लगी। ऐसा कहा जाता है कि गंधर्व महाविद्यालय की व्यवस्थाओं की देखरेख के दौरान ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता का निधन हो गया।
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर पर विद्यालय को व्यवस्थित करने की ऐसी धुन सवार थी कि वे अपने पिता के श्राद्ध तक में नहीं जा पाए। ये उनके जुनून का ही नतीजा था कि 1908 में उन्होंने मुंबई में भी गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर डाली। ये और बात है कि इस दौरान उन पर पैसों का कर्ज बेतहाशा बढ़ता चला गया, जिसे वे कभी उतार नहीं पाए। पंडित जी के दिमाग पर पैसों का तनाव हावी रहने लगा। वो हमेशा एक ही रट लगाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मशहूर भजन को सबसे पहले पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ही गाया करते थे। उन्होंने वंदे मातरम की भी एक अनोखी धुन तैयार की थी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत की ढेर सारी किताबें लिखी। उन्होंने खास तरह की स्वरलिपियां भी बनाई, हालांकि बाद में उनकी स्वरलिपि पद्धति को काफी कठिन माना गया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की निजी जिंदगी दुखों से भरपूर रही। उन्हें 12 बच्चे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बच्चे को वो बचा पाए। दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर यानी डीवी पलुस्कर उन्हीं की संतान थे, जिन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में जमकर ख्याति कमाई। 1930 के आसपास की बात है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उन्हें लकवा मार गया। उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन होनी को शायद यही मंजूर था। अगले ही साल 21 अगस्त 1931 को उन्होंने आखिरी सांस ले ली। दुर्भाग्य देखिए कि उनके पुत्र दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। सिर्फ 34 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत में ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में विनायक राव पटवर्धन, ओंकार नाथ ठाकुर, नारायण राव व्यास और बी.आर. देवधर ने बहुत नाम कमाया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सभी शिष्यों ने संगीत के शीर्ष मुकाम को हासिल किया। अपने गुरु के प्रति इससे बेहतर श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।